नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। रोज हम आपको खबरों से रूबरू करवाते हैं, लेकिन इस वक्त देश के युवा खबरों से रूबरू होना पसंद नहीं करते। बूढ़े और बड़े वो तो फिर भी खबरों से रूबरू हो जाते हैं, उन्हें इस चीज में रुचि आती है कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन आजकल के युवाओं को इस वक्त अपने एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक डाउनलोड करके उस पर वीडियोस बनाना ज्यादा प्रेफरेबल लग रहा है और ये इस वक्त काफी चिंता का विषय बन चुका है। एक के बाद एक आपके भी व्हाट्सएप स्टेटस पर लोगों की टिकटॉक वीडियोस आती रहती होंगी, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि महज टिकटॉक वीडियो बनाकर फेमस होने के लिए, बहुत सारे फॉलोअर्स और लाइक्स अपने पास लाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लोग टिकटॉक पर किस किस तरह के वीडियो बना रहे हैं। अभद्रता के चलते तो पहले ही टिकटॉक को बैन किया जा चुका है, लेकिन अब लोगों ने अपनी जान को दांव पर लगाना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, टिकटॉक पर लोग सांप के साथ वीडियो बना रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि बदले में वो सांप उनके साथ टिकटॉक वीडियो बना ले रहा है। इसी के साथ साथ देखा गया है कि लोग झील में कूदकर अपनी जान को जोखिम में डालकर वीडियोस बना रहे हैं, स्टंट्स कर रहे हैं। ट्रेन के गुजरने के बाद वो रेलवे स्टेशन पर स्टंट कर टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं। आप यकीन कर सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तरह तरह की एप्स डाउनलोड कर अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। उन एप्स में से टिकटॉक आम हो चुकी है, जहां लोग अपने फ्री टाइम में तरह तरह की वीडियोस बनाकर अपना और दूसरों का मनोरंजन कर रहे हैं। टिकटॉक का भूत लोगों पे कुछ इस तरह से सवार हो गया है कि अपनी जान की परवाह किए बिना सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की वीडियोस डाल रहे हैं जिनसे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है और नतीजे में उन्हें हादसों का सामना करना पड़ रहा है। टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए लोग पूरा पूरा दिन पार्लर में बिताने लगे थे। लड़के लड़कियों के कपड़े पहनकर तरह तरह के गानों पर वीडियोस बना रहे थे, लेकिन अब हद हो गई है, लोग सांप के साथ भी वीडियो बनाने लगे हैं। मुंबई में ऐसा ही एक वाक्य सुनने को मिला है, जहां मुंबई से सटे डोबीवली के वन विभाग ने दो लड़कों को हिरासत में ले लिया, जिनमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है। डोबीवली के कुणाल और उसके साथ नाबालिग दोस्त ने सांप के साथ एक ऐसी खतरनाक टिकटॉक वीडियो बनाया जिसका अंजाम क्या हो सकता था वो खुद भी नहीं जानते थे। इस वीडियो में वो दोनों फन निकाले सांप को चूमते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात की परवाह नहीं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के बाहरी इलाके में दुलपल्ली झील पर वीडियो बनाने के चक्कर में एक युवक झील के अंदर गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए प्रशांत अपने चचेरे भाई नरसंभालू के साथ पानी में गया और फिल्मी गानों की धुन पर डांस करने लगा। तभी वीडियो बनाते बनाते वो झील में डूबता चला गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। गहरे पानी में उतरने के बाद युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि घटना बुधवार शाम मेडचल जिले के दुलपल्ली झील में हुई। इस बीच जब हमने शहर के लोगों से पूछा कि क्या आप टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो सुनिए तरह तरह के विचार लोगों के मन में क्या कुछ कहने के लिए है। नमस्कार, मैं हूं लकी शर्मा आपके साथ फर्स्ट बाइट टीवी से, और मैं यहां पे कुछ लोगों के साथ मौजूद हूं जो अपने ओपिनियन शेयर करेंगे हमसे टिकटॉक पर। तो आपका नाम? संतोषी यादव। अच्छा संतोषी, आप टिकटॉक यूज करती हैं? मैं तो नहीं यूज़ करती हूँ बेसिकली, बट अकॉर्डिंग टू मी जो टिकटॉक है वो काफ़ी पॉजिटिव व्यू में अगर लें तो काफ़ी अच्छा है। बाकी तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो एवरीथिंग पॉसिबल, हर जगह है। वो तो हमारा नज़रिया कि हम उसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से उस चीज़ को हम ले रहे हैं। लोग गलत वीडियो बनाते हैं और ये किसी की भी कोई भी गलत वीडियो बनाता है उससे लोगों की जो है छवि पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे लोग जान भी दे देते हैं, बहुत से लोगों पे चोट भी लग जाती है, तकलीफ़ आ जाती है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। ये किसी की जान से ना खेले, ये टिकटॉक पे वीडियो किसी की बिना सोचे समझे बनाना अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा अगर कोई वीडियो बनाए आप तो सोच समझ के बनाएं, मेरा मानना ये है। नहीं, वैसे तो बेसिकली मैं यूज़ नहीं करता, पहले यूज़ करता था, पर अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती हैं इससे। टिकटॉक का वैसे बेसिकली एक फ़ायदा ये है कि जो आज का यूथ है जिनके पास कुछ हिडन टैलेंट है वो टिकटॉक के जरिए वो लोगों को दिखा सकते हैं। जैसे जो बड़े पोजीशन पे लोग हैं वो उस चीज़ों को देख करके आइडेंटिफाई करके उन्हें आज अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, जिससे कि जो बंदा उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकता था वो आज टिकटॉक के थ्रू अपने टैलेंट को दिखा करके और उस स्टेज पे पहुंच सकता है।
तो और इस तरह से बैन डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। बैन अगर करना है तो उन पर्सन्स को करो जो उसके थ्रू गलत वे में जा रहे हैं, अपने पर्सनल टैलेंट को दिखाएं तो वो अच्छी बात है। कुछ लोग ज़्यादा इंस्टेंट करने लगते हैं, उन सब चीज़ों पे बैन लगाना चाहिए। इतना बड़ा इंस्टेंट ना करें कि जिससे कि उनके जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो। हाँ, इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए बस। माना शौक बड़ी चीज़ है, लेकिन इस शौक के चलते अगर जान पर बनाए तो कुछ शौक अधूरे सही। ये खबर सभी के लिए है और एक सबक भी है कि मस्ती में कभी होश नहीं खोने चाहिए। टिकटॉक पर वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वीडियो बनाते समय इस तरीके के खतरनाक स्टंट करना गलत है। ना सिर्फ गलत बल्कि आपकी जान के लिए खतरा है। तो आप अगर आपके आसपास या फिर आप खुद इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं तो आज ही रुक जाइए, क्योंकि कुछ शौक अधूरे रह जाएं तो बेहतर है। लेकिन अगर माँ बाप अपने बच्चों को खो दें या फिर बच्चे अपने माँ बाप को खो दें सिर्फ इस स्टंट या फिर फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो शायद आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। एक मैसेज फर्स्ट बाइट की तरफ से, फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर।